आदित्य अल्वा, जब भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी, क्योंकि भारत ने लैंडिंग के लिए साउथ पोल को चुना था। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चांद पर लैंडिंग तो की थी, लेकिन कोई भी देश साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाया था। भारत ने ऐसा करके एक नया इतिहास रच दिया। चांद के बाद 2 सितम्बर 2023 को भारत अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च कर चुका है। भारत से पहले कई देशों ने सूर्य मिशन लॉन्च किया है, लेकिन चांद की तरह सूरज की सतह पर किसी भी देश का यान नहीं पहुंच पाया। भारत का आदित्य L1 भी सूरज की पृथ्वी के बीच की दूरी L1 तक का सफर तय करेगा। यहीं से वो सूरज की तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगा, लेकिन ऐसे में एक बात जाननी जरूरी है कि आखिर सूरज की सतह पर लैंडिंग क्यों नहीं की जा सकती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आदित्य L1 के फैक्ट्स के बारे में, जिसमें लास्ट में आने वाले फैक्ट बहुत ही शॉकिंग होने वाले हैं। तो सबसे पहले फैक्ट की बात करते हैं, जो कि है क्यों पॉसिबल नहीं है सूरज पर लैंडिंग। सूरज पर लैंडिंग न कर पाने की सबसे बड़ी वजह वहाँ का तापमान। सूरज का तापमान इतना ज्यादा है कि पृथ्वी से कोई भी चीज उसका सामना नहीं कर सकती। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार सूरज के कोर का तापमान 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और इसकी सतह का तापमान करीब 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके अलावा हमें सूरज की बनावट को भी समझना चाहिए। सूरज का बाहरी हिस्सा कोरोना कहलाता है, उसके बाद क्रोमोस्फीयर की परत होती है, फिर फोटोस्फीयर, उसके बाद कन्वेक्शन जोन, उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन, और फिर केंद्र बिंदु है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोर तक पहुंचना इम्पॉसिबल सा है। नंबर 2, नासा करता है ये दावा। हालांकि इस मामले में नासा ये दावा करता है कि उसका पार्कर सोलर प्रो नामक मिशन, जिसे नासा ने 2018 में लॉन्च किया था, वो सूर्य के सबसे करीब पहुंचा। 14 दिसंबर 2021 को नासा ने घोषणा की थी कि अंतरिक्ष यान ने पहली बार सूर्य को छुआ, जहां का वातावरण लगभग 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसमें ये भी दावा किया था कि अंतरिक्ष यान ने कोरोना से होकर उड़ान भरी। अगर सूर्य के फोटोस्फीयर तक पहुंचा जाए तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण किसी भी चीज का वजन पृथ्वी से मौजूदा वजन से 26 गुना ज्यादा हो जाएगा। अगर इसके भी अंदर जाए तो कन्वेक्शन सेंटर आ जाएगा और यहाँ का तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पृथ्वी पर मौजूद कोई भी चीज इससे ज्यादा, इतने ज्यादा तापमान का सामना नहीं कर सकती। इस बिंदु पर कोई भी अंतरिक्ष यान पिघलकर एकदम खत्म हो जाएगा। नंबर 3, कौन कौन से देश भेज चुके हैं सूर्य मिशन। आदित्य L1 बेशक भारत का पहला मिशन है, लेकिन भारत से पहले 22 मिशन सूर्य तक भेजे जा चुके हैं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन एजेंसी शामिल है। 22 मिशन में से 14 मिशन तो अकेले नासा भेज चुका है। 1994 में यूरोपियन एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर एक सूर्य मिशन भेजा था। इन सभी का उद्देश्य सूरज का अध्ययन करना था। साल 2001 में नासा ने जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था, जिसका मकसद सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना था। नंबर 4, क्या करेगा भारत का आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन ऑब्जर्वेटरी क्लास है। ये पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगी। अब तक हम जो भी अध्ययन सूरज को लेकर करते आए हैं, वो सभी दूरबीन की मदद से किए हैं। ये दूरबीनें कोडिकनाल या नैनीताल के अराइज जैसी जगहों पर लगी हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस में टेलीस्कोप नहीं है। धरती पर रहकर दूरबीन की मदद से सूरज की सतह को देख पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। सूरज के वातावरण को नहीं समझा जा सकता, जो कि धरती से एकदम अलग है। कोरोना आखिर इतना गर्म क्यों है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे तमाम सवाल जिनका जवाब धरती से नहीं मिल सकता, वो अब अंतरिक्ष में जाकर मिलेगा। भारत का आदित्य L1 पॉइंट में रहकर सूरज की गतिविधियों पर 24 घंटे निगाह रखेगा और ग्राउंड स्टेशन को फोटोग्राफ भेजेगा। नंबर 5, क्या है आदित्य L1 का मकसद। सूरज के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करना, फ्लेयर्स पर रिसर्च करना, सौर कोरोना की भौतिक और इसका तापमान को मापना, कोरोनल और कोरोनल ब्लू प्लाजा का डायग्नोसिस करना, इसमें तापमान, टेम्परेचर, स्पीड और डेंसिटी की जानकारी निकालना, सूरज के आसपास हवा और उत्पत्ति की संरचना और गतिशीलता, मतलब स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स की को जांचना। तो ये कुछ फैक्ट्स थे हमारे आदित्य L1 को लेकर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।